अगर आप टिकटॉक एप्लीकेशन यानी म्यूजिकली एप्लीकेशन पे अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा इस पे अकाउंट कैसे डिलीट किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक पे अपने अकाउंट को आप हमेशा के लिए कैसे डिलीट करते हैं या फिर डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। कुछ दिनों के लिए अगर डीएक्टिवेट करना है वो भी, अगर हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए चला जाता हूँ मैं अपने टिकटॉक एप्लीकेशन में और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। यह मैंने टिकटॉक को ओपन किया और चला जाना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद ऊपर राइट साइड देखिए तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे कर दीजिए क्लिक। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन है, पाँच ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने। नीचे है प्राइवेसी एंड सेटिंग, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ सबसे ऊपर है मैनेज माई अकाउंट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए जहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उसके सामने देखिए मोबाइल नंबर मेरा नहीं है। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरा मोबाइल नंबर इसमें ऐड नहीं किया हुआ। मोबाइल नंबर ऐड होना ज़रूरी है, अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया तो आपको मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा और उसे कन्फर्म करना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा OTP और उसे कन्फर्म कर लीजिए। आपके अकाउंट में पहले मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए तो ही आप टिकटॉक एप्लीकेशन में टिकटॉक का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर को ऐड कर लीजिए और कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने करना है नीचे देखिए, सबसे स्क्रीन के नीचे देखिए लिखा हुआ है रिमूविंग योर अकाउंट, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद जहाँ देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आपको एक मैसेज आपके उसी मोबाइल नंबर पे आ जाएगा जो आपने ऐड किया होगा, उसी पे आ जाएगा। उसमें एक कोड होगा वो जहाँ डाल देना है, यहाँ डालने के बाद कर दीजिए कंटिन्यू। मैं तो कंटिन्यू नहीं करने वाला क्योंकि मैंने अपने अकाउंट को डिलीट नहीं करना है, ना ही मैंने मोबाइल नंबर डाला है। तो कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज पर आपको बताया जाएगा, अगर आप 30 दिन तक मतलब कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो नया पेज होगा ना वहाँ पर आपने एक बार और कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपका अकाउंट हो जाता है डिलीट। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा ओपन कर लेते हो तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, वो सिर्फ डीएक्टिवेट होता है 30 दिनों के लिए। अगर आप 30 दिन तक भी उसे ओपन नहीं करते तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। इस तरह से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।